दोस्तों आप में से काफी बच्चों ने ना मुझे बोला है कि उनको बिट मैनिपुलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें बिट्स इन्वॉल्व हो जाती है तो उनमें क्वेश्चंस करने में ना कुछ दिक्कत होती है काफी बार, क्योंकि बिट मैनिपुलेशन रिलेटेड सारे टॉपिक्स तो नंबर थ्री के वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम दो क्वेश्चंस देखेंगे बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड एंड देखेंगे कि कैसे थिंकिंग डेवलप करनी है बिट मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चंस के लिए एंड कैसे सोचना है बिट मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चंस में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लेवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 65 में। फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है मॉन्क एंड हिज फादर। तो ये कोड मॉन्क सीरीज के बिट मैनिपुलेशन वाला जो क्वेश्चन है उसी का एक क्वेश्चन है। तो मॉन्क लव साइकिलिंग, ही वांट्स टू बाय हिज फेवरेट बाइसिकल कॉस्टिंग $3, बट हिज फादर वोंट गिव हिम द मनी सो इजीली एज ही वांट्स मॉन्क टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, सो दे मेक अ डील। मॉन्क स्टार्ट्स विद $0 इन हिज पिगी बैंक। ऑन ईच डे मॉन्क विल गो टू अनदर सिटी वेयर गॉड ऑफ मनी लिव्स एंड विल गेट एज मच एज डॉलर्स ही वांट्स फ्रॉम हिम। एट द एंड ऑफ ईच डे मॉन्क ब्रिंग्स द पिगी बैंक टू हिज फादर, ही काउंट्स द मनी इन द पिगी बैंक and deposits as much more money as the amount that is present in the piggy bank, which eventually doubles the amount in the piggy bank. As a result, the money in the piggy bank keeps growing. Note that his father does not deposit any money if the piggy bank is empty. Monk wants to ask God for money for as minimum dollars as possible. Find the minimum dollars that the monk has to ask from the God of money so that he has exactly P dollars in his piggy bank, irrespective of the number of days he takes. ठीक है, ये question है हमारा। तो अभी तो हमें let's say कोई random question आया होता तुम्हें, तो तुम्हें अभी तो नहीं पता ना कि ये बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है ना, तो अभी हम क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि बेसिकली गॉड के पास वो जाएगा, गॉड से कुछ मनी लेगा, वो पिगी बैंक में डालेगा और पिगी बैंक में जितनी भी मनी होगी फादर उतनी डाल देगा दोबारा, तो बेसिकली वो डबल हो जाएगी पिगी बैंक में। तो वो बोल रहा है कि गॉड के पास मैं जब भी जाऊं तो मेरे को मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी लेनी है। तो वो बोल रहा है मैं कितना मिनिमम अमाउंट गॉड से लूं ताकि मेरा पी डॉलर्स हो जाए। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन करी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का फर्क नहीं पड़ सकता। तो बेसिकली वो जितने मर्जी दिन जा सकता है, ठीक है, वो मतलब काफी सारे दिन भी जा सकता है, उसको अल्टीमेटली पी डॉलर्स बनाने। तो नंबर ऑफ डेज बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बट हमें जो नंबर ऑफ अमाउंट जो गॉड से ले रहे हैं हम उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या रिसेंटली तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर बने हो तो अनअकैडमी ना एक नेटफ्लिक्स टाइप सब्सक्रिप्शन लेके आया। अब इस सब्सक्रिप्शन में ना काफी सारे सेशंस होंगे जो काफी डिफरेंट डिफरेंट लोग लेंगे। जैसे कि तुम यहाँ पे नीचे देख सकते हो, एक टेक एक्स्ट्रा करिकुलर का एक एपिसोड है, एक सीरीज है जो हर वीक होगी। एक यहाँ पे एचआर टॉक्स का जो एक एपिसोड है जो अनुज लेने वाले हैं। नीचे यहाँ पे तुम देख रहे हो प्रोजेक्ट रिव्यूज का एक सेशन है जो स्ट्राइवर लेने वाला है ना। एंड यहाँ पे एक मेरा भी सेशन है जो है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें मैं हर वीक क्या करूंगा एक टॉप कंपनी के, एक फैंग कंपनी या कोई भी कंपनी का हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक या दो इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फेसबुक वाला ऑलरेडी हो चुका है एंड आगे ये वाले होने वाले हैं, राइट। तो ये जो सारी सीरीज है ना ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर बंडल है। तो अगर तुम इस सब्सक्रिप्शन को खरीदना चाहते हो तो इसका कॉस्ट है ₹999 फॉर 1 ईयर। और अगर तुम्हें इस ₹999 पे भी डिस्काउंट चाहिए तो तुम यहाँ पे लव इज मी करके मेरा कोड डाल सकते हो और अप्लाई करोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट इस ₹999 के ऊपर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे अनअकैडमी का ना कोड ट्राइब नाम से एक नया कोडिंग चैनल आया, तो यहाँ पे काफी लोग कोडिंग के रिलेटेड क्लासेस लेते हैं जो कंप्लीटली फ्री है। एंड यहाँ पे हर वीक मैं भी लाइव सेशंस लेता हूँ फ्री, जहाँ पे तुम मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो एंड ये टोटली फ्री है। तो तुम जाके यहाँ पे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड यहाँ पे जब भी मेरा वीकली लाइव होता है तो तुम उसको अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट से पहले दिन में ना उसने X1 अमाउंट ले ली, ठीक है, पहले दिन में उसने गॉड से X1 अमाउंट ले ली, तो उसका फादर क्या करेगा उसके बाद दिन के एंड में उसको 2X1 कर देगा, ठीक है, 2X1 कर देगा। दूसरे दिन पे गॉड से उसने ली X2 अमाउंट, हम अभी नहीं पता है, हमें X1 प्लस X2 प्लस X3 सारा मिनिमाइज करना है, बट हम अभी देखते हैं एक्सप्रेशन बनेगा क्या फाइनल मनी का। उसने गॉड से ली फिर X2 मनी, तो टोटल मनी क्या हो जाएगी 2X1 प्लस X2, ठीक है। ये गॉड से ली, ये भी गॉड से ली थी, ये उसने फादर से ली, मतलब फादर से लेने के बाद डबल हो गया। अभी गॉड से उसने X2 ले लिया और X2 ऐड हो गया, और यहाँ पे फादर क्या करेगा इतनी और मनी पिगी बैंक में डाल देगा, है ना, तो ये डबल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा 2×2X1 प्लस X2, है ना, ये बन जाएगा X1 प्लस X2 2X2, ये हमारा बन गया। तो ये हमारा गॉड से उसको मिला है, ठीक है, तो ये उसको फादर से मिला है, ठीक है। अभी गॉड से लेट से उसने थर्ड डे पे X3 अमाउंट ले ली, गॉड से उसने X3 अमाउंट ले ली, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 square, ये गॉड से लिया उसने, तो फादर क्या करेगा इसको भी डबल कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2³ X1 प्लस 2² X2 प्लस 2X3, ठीक है, ये हमारी अमाउंट बन रही है। तो अभी लेट अस अज्यूम वो n डेज तक गॉड के पास जाता है, ठीक है, n डेज में हमारी मिनिमम अमाउंट हमें पूरी हो जाएगी, ठीक है, वो n डेज कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक है। अगर वो n डेज के लिए गॉड के पास जाता है तो फाइनल अमाउंट क्या बनेगी यहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे 3 दिन के लिए यहाँ पे 2³ आया, है ना, 3 दिन के लिए यहाँ पे क्या आया, 3 दिन गए थे हम, तो 2³ आ गया और ये हमारी सीरीज बन गई 2 तक। तो n डेज के लिए क्या बन जाएगा, n डेज के लिए हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 x2, है ना, प्लस
और यहाँ पे एक सीरीज होगी बहुत लंबी जिसमें टू की सारी पावर्स होंगी और एंड में क्या होगा, टू की पावर स्क्वायर इंटू एक्स एन माइनस वन प्लस टू इंटू एक्स एन, है ना। जैसे यहाँ पे ऊपर क्या था, टू इंटू एक्स थ्री था ना, यहाँ पे टू इंटू एक्स थ्री था, तो यहाँ पे टू इंटू एक्स एन हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज बन गई। अब ये जो सीरीज है क्या ये तुम्हें किसी चीज की याद दिला रही है, ये जो चीज है ये किसी चीज की याद दिला रही है, ये बेसिकली है क्या, टू की पावर्स का सम है, टू की पावर्स का सम है ना। अभी मेरे को करना क्या है, मिनिमाइज क्या करना है, एक्स वन प्लस एक्स टू, गॉड से जो पैसे लिए वो मिनिमाइज करना है ना, गॉड से क्या पैसे लिए, एक्स थ्री अप टिल एक्स एन, ये अमाउंट जो है उसने गॉड से ली है, ये हमें मिनिमाइज करनी है। एन फर्क नहीं पड़ता, एन जितना मर्जी हो सकता है, हमें ये अमाउंट को मिनिमाइज करना है। तो ये क्या बेसिकली, ये क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली चीज, ये एक बाइनरी नंबर को जो हम कन्वर्ट करते हैं, लेट से अगर एक्स वन, ये हमारे वन जीरोज होते हैं, है ना, ये वन जीरोज अगर होते हैं हमारे, तो बाइनरी नंबर को जब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये वो नहीं लग रहा है तुम्हें, वही बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर यही ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना, वन वन जीरो वन होता है हमारा, तो इसको क्या करते हैं, वन इंटू टू स्क्वायर प्लस जीरो इंटू टू की पावर वन प्लस वन इंटू टू की पावर जीरो, यही करते हैं ना, ये फाइव की बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, तो वन इंटू टू स्क्वायर फोर प्लस जीरो इंटू टू की पावर वन और ये वन, तो फोर प्लस वन हमारा फाइव हो जाता है, ये तो ये हमारा फाइव बन जाता है। तो ये ऐसे हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लग रहा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये जो चीज़ है ये ऐसी नहीं लग रही तुम्हें, ये यही चीज़ तो लग रही है सिंपल, है ना। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये एक बाइनरी का कन्वर्जन टाइप लग रहा है। तो लेट अस अज्यूम, मेरे को अगर मिनिमाइज करना है तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को सिर्फ जीरो और वन ही रखूँ, सिर्फ जीरो और वन ही रख लूँ, क्योंकि जीरो और वन से बड़ा कोई नंबर नहीं रखूँगा तो मिनिमाइज हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, वन तो एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, है ना, सारे जीरो तो नहीं रख सकता, वन तो रखना ही पड़ेगा ना मिनिमम मिनिमम, ताकि कुछ तो अमाउंट बने यहाँ पे, तो मैं वन और जीरो ही रखता हूँ तो हमारा ऑटोमेटिकली मिनिमम अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे तुम बोलोगे कि यार मेरे को यहाँ पे मैं एक्स वन की वैल्यू टू अगर रख दूँ, है ना, यहाँ पे मैं अगर टू रख दूँ तो काफ़ी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, ऑब्वियसली बन जाएगी, बट तुम नंबर ऑफ डेज बना के यहाँ पे एक और वन भी तो डाल सकते हो, तो वो टू की पावर एन प्लस वन इंटू वो वन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली तुम जो वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तुम नंबर ऑफ डेज से बढ़ा सकते हो, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे एक्स वन एक्स टू की बड़ी वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि किसी भी नंबर को मैं टू की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। कोई भी नंबर है, फाइव है, उसको मैं टू की पावर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, टू स्क्वायर प्लस टू की पावर जीरो। कोई सिक्स नंबर है तो उसको मैं बोल सकता हूँ टू स्क्वायर प्लस टू, है ना। कोई भी नंबर है दुनिया में उसको मैं टू की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और टू की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन और जीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जैसे अगर हम फाइव को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू स्क्वायर प्लस टू की पावर जीरो, है ना। सेवन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेवन को रिप्रेजेंट करते हैं हम टू स्क्वायर प्लस टू प्लस प्लस टू की पावर जीरो, ठीक है। तो ऐसे सेवन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फोर प्लस टू प्लस वन हमारा वो हो जाता है। तो किसी भी नंबर को मैं टू की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और जहाँ जो यहाँ पे हमारा मल्टीपल वाला जो फैक्टर है ना, वो वन और जीरो ही होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा टू की पावर जो वन थी उसका जो फैक्टर था वो जीरो था, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमारा ये जो टू की पावर वन जो फैक्टर था, ये एक्स एन हमारा जीरो हो गया बेसिकली इस केस में, है ना। और टू स्क्वायर हमारा ये देखो ये जो है हमारा है, तो ये हमारा बेसिकली इसमें हमारा कोफिशियंट वन है। तो बेसिकली जो भी हमें अमाउंट बनानी है, जो भी हमें अमाउंट बनानी है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, तो लेट से हमें वन अमाउंट बनानी थी या टू अमाउंट बनानी थी, उस अमाउंट की जो बाइनरी होगी, तो लेट से अगर मेरे को टू अमाउंट बनानी है, ठीक है, मेरे को टू अमाउंट बनानी है, तो इसकी बाइनरी क्या होगी, वन और जीरो, ठीक है, वन और जीरो हो गई इसकी बाइनरी। तो वन और जीरो का क्या मतलब है, उसने पहले दिन पे गॉड से लिया एक रुपया, ठीक है, गॉड से लिया एक रुपया, और फादर ने कर दिया डबल, तो दो रुपये हो गए, और दूसरे दिन पे उसने कुछ भी नहीं लिया या दूसरे दिन पे हम गए ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो सकता है हमारा, या फिर लेट से हमारा होता थ्री, ठीक है, थ्री का हमारा बाइनरी क्या होता है, वन वन। तो पहले दिन पे उसने गॉड से लिया एक रुपया, ठीक है, एक रुपया लिया, तो उसने एक रुपया लिया और फादर ने उस दिन उसको क्या कर दिया डबल। दूसरे दिन पे उसने गॉड से लिया ये एक रुपया, ये एक रुपया उसने गॉड से लिया और ये टू प्लस वन करके हो गया थ्री। देखो अगर हमें ना एग्जैक्ट थ्री अमाउंट बनानी है, अगर हमें एग्जैक्ट थ्री अमाउंट नहीं बनानी होती ना, तो फिर मैं क्या करता कि पहले दिन पे मैंने गॉड से एक रुपया ले लिया, फिर कभी भी मैं गॉड से कभी पैसे ना लूँ, तो हर बार डबल होते होते उस अमाउंट से ज़्यादा तो हमेशा बनी जाएगी। बट क्योंकि हमें एग्जैक्ट वो अमाउंट बनानी है ना, इसलिए हमें गॉड से भी पैसे लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट थ्री बनाने के लिए हमें गॉड से पैसे लेने पड़ेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे, बीच बीच में जब भी लेना हो। तो अगर मेरा फाइव होता, जैसे जो फाइव वाला केस है ना, फाइव वाला केस में क्या, वन जीरो वन है ना, तो पहले दिन में उसने यहाँ पे गॉड से एक रुपया लिया और पहले दिन पे वो दो रुपये हो गए फादर से लेके, है ना, और फिर उसने गॉड से कुछ नहीं लिया तो दूसरे दिन पे वो चार रुपये हो गए, और तीसरे दिन पे क्योंकि फादर ने तो डबल करना ना, तो फादर ने उस दो को डबल कर दिया, चार कर दिया, और तीसरे दिन पे उसने गॉड से दोबारा एक रुपया ले लिया, तो वो पाँच रुपये हो गए हमारे यहाँ पे प्लस करके, तो ये पाँच रुपये बन गए हमारे।
तो ये ऐसे बेसिकली क्वेश्चन चल रहा है। तो बेसिकली जो भी नंबर, तो बेसिकली गॉड से पैसे कितने लिए, ये जितनी बिट सेट थी उतने ही पैसे लिए ना। तो जो भी हमें नंबर दिया गया है उसमें जितनी भी बिट सेट होंगी वही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि वही तो उतने गॉड से उसने पैसे लिए हैं। इस केस में आंसर क्या है कि वन और ये वन, कितनी बिट सेट थी, तो बिट सेट दो थी फाइव के केस में, थ्री के केस में वन बिट सेट थी, टू के केस में वन बिट सेट है, तो वो भी आंसर हमारा वन हो गया उस केस में कि एक रुपया लिया गॉड से। तो बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पे हमें जो भी नंबर दिया गया उसके नंबर ऑफ सेट बिट्स आउटपुट कर दो। तो वो तो हमने देखा ही हुआ है नंबर थ्योरी वाली वीडियोस में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट केसेस इनपुट ले लेते फटाफट सी नेक्स, और हमारा इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेंगे यहाँ पे, बिल्ट इन अंडरस्कोर 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 बिल्ट इन पॉप काउंट। अब सेट बिट्स को आउटपुट करने के लिए हमारा यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट। ये हमने ऑलरेडी वीडियोस में कवर किया हुआ है अपनी कि कैसे ये फंक्शन होता है ना। यहाँ पे एलएल डाल देंगे क्योंकि लॉन्ग है हमारा, और यहाँ पे एक्स डाल देंगे और यहाँ पे स्लैश एंड आउटपुट कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन, इतना सा हमारा कोड है सिंपल सा। तो देखो बाइनरी नंबर्स में हम कैसे सोच रहे हैं, अब अगले क्वेश्चन में तुम्हें और क्लैरिटी होगी कि बाइनरी नंबर्स में तुम्हें कैसे सोचना है। तो यहाँ पे मेरे को हिंट कैसे मिला बेसिकली, इसको पहले आउटपुट करके देख लेते हैं और मीनवाइल यहाँ पे देखते हैं। तो हिंट क्या मिला कि ये जो मेरे को चीज दिख रही है यहाँ पे, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जैसी दिख रही है ना। तो यहां से मेरे को हिंट मिला कि अच्छा ये ऐसे सोच सकता हूं मैं, तो यहाँ पे हिंट ऐसे मिला मेरे को। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वन वन था यहाँ पे, और इसको सबमिट भी कर देते कोड को, तो सबमिट हमारा आंसर तो सही आ रहा है यहाँ पे। कंपाइल एंड रन कर देते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। देखो ऐसे देखने में ये क्वेश्चन ईजी लग सकता है, बट ये अगर तुम्हें अभी खुद से सोचना होना, तो ये अगर तुमने नहीं ये कॉन्सेप्ट आइडिया है तो ये क्वेश्चन काफी मतलब ऐसा डिफिकल्ट सा लगेगा तुम्हें देखने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हमारा XOR चैलेंज। तो XOR के ऊपर काफी लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो XOR का मैंने सोचा एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑलरेडी मैंने XOR वाली एक प्रॉपर वीडियो करी थी, उसमें मैंने XOR का कॉन्सेप्ट मतलब एक्सप्लेन किया था और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, बट मैंने सोचा एक और क्वेश्चन सोल्वते हैं क्योंकि इसमें तुम्हें और आइडिया लगेगा कि बिट्स में कैसे सोचना है। कोई भी बिट, ये का प्रॉपर बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, तो इसमें बिट्स में कैसे सोचेंगे। तो यू आर गिवन एन इंटीजर सी सच दैट XOR ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा बी इज सी, ठीक है, इन शॉर्ट XOR बी सी, ठीक है, सिंपल है। आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए एंड बी यू मस्ट फाइंड टू इंटीजर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। लेट अस डिफाइन लेंथ ऑफ ए, L of A is length of A in its binary representation. Then length of A is less than length of C and length of B is less than length of C. तो ये उसको conditions देनी पड़ रही हैं। ये क्यों देनी पड़ रही हैं? ये मैं अभी बताता हूँ। तो basically बोल क्या रहा है ना कि दो numbers हैं मेरे पास, A XOR B, A XOR B मेरा C है। अब मेरे को C की value दे रखी है, यहाँ पे C की value दे रखी है। मेरे को दो ऐसे A और B find करने हैं ताकि उनका product maximum हो। ये हमारा question है। तो XOR होता क्या हमारा? XOR होता है हमारा one one का XOR zero, ठीक है, जीरो जीरो का भी XOR जीरो, और हमारा वन जीरो और जीरो वन का XOR, ये वन होता है ना, ये हमारा XOR टेबल होता है। तो लेट से मेरे पास कोई भी एक बाइनरी है, ठीक है, मेरे पास कोई भी एक बाइनरी है, रैंडम बाइनरी वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन वन, ये एक रैंडम बाइनरी है मेरे पास, ठीक है। अभी इसको हम बोलते सी है, अभी मैं बाइनरी में सोच रहा हूँ। देखो सी अगर कोई इंटीजर वैल्यू दे गई है, मैं उसके टर्म्स में नहीं सोच रहा, मैं बाइनरी की टर्म्स में सोच रहा हूं। अब ए और बी का XOR करके ये सी वैल्यू आई है, तो लेट से पहली बिट से शुरू करते हैं, ये वाली पहली बिट है ना, यहां से शुरू करते हैं। तो अगर ये वन था तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं? या तो वन जीरो हो सकता है या जीरो वन हो सकता है। तो ए में ये वाली जो बिट है, इसके नीचे वाली बिट या तो वन हो और नीचे बी में जीरो हो, या फिर बी में ये वाली बिट वन हो तो ए में जीरो होगी। तो या तो ये वन जीरो हो सकता है, या फिर ऑल्टरनेटिव केस क्या हो सकता है, ए बी का ऑल्टरनेटिव कैसे हो सकता है, यहाँ पे जीरो और ये वन हो। तो यहाँ पे इसको ए डैश बी डैश बोल देते हैं, लेट से, ठीक है, ए डैश बी डैश बोल देते हैं, यहाँ पे जीरो वन हो सकता है। अब ये भी वन के केस में यहाँ पे लेट से वन जीरो हो सकता है, अभी यहाँ पे जीरो वन भी हो सकता है और यहाँ पे वन जीरो भी हो सकता है, या फिर उल्टा उल्टा क्या हो सकता है, यहाँ पे वन जीरो हो सकता है और यहाँ पे वन जीरो हो सकता है, मतलब जीरो वन हो सकता है यहाँ पे। तो काफी सारे ऐसे केसेस बन जाएंगे। तो वन के लिए बेसिकली दोनों में से एक नंबर में वो वाली बिट वन होनी चाहिए, बट जीरो अगर है तो जीरो के लिए भी दो केसेस हैं, या तो जीरो जीरो हो या तो वन वन हो। अब मेरे को प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, ए और बी का प्रोडक्ट मेरे को मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे को दोनों नंबर्स भी तो मैक्सिमाइज करने हैं। तो अगर मेरे को दोनों नंबर्स मैक्सिमाइज करने हैं, तो जब भी मेरे को बिट सेट में कर सकता हूं तो मैं करूंगा ही करूंगा, ताकि नंबर और बड़ा बने। ए और बी को जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, जब भी जीरो है उस केस में तो इन दोनों को वन सेट कर दो, क्योंकि दोनों को जीरो करने से तो मेरा नंबर छोटा बनेगा, मेरे को नंबर बड़ा बनाना है। तो जब भी जीरो है तो ये वाले हमारे वैल्यूज फिक्स हो गए, ये वाले हमारे वैल्यूज फिक्स हो गए, क्योंकि जब भी जीरो है तो दोनों को वन कर दो, क्योंकि मेरा नंबर और बड़ा होता जाएगा, है ना, दोनों का नंबर और बड़ा होता जाएगा। तो हमारा जीरो वाला केस तो रिजॉल्व हो गया, क्योंकि हम ये तो हमेशा कभी नहीं करेंगे, हमेशा यही करेंगे ताकि हमारा नंबर मैक्सिमाइज हो, है ना। तो जीरो वाले केस में हमने क्या किया, वन वन सेट कर दिया, है ना, वन वन सेट कर दिया जीरो वाले केस में,
हमने हमेशा वन वन सेट कर दिया। बाकी बचे हमारे ये वन वाले केस, इनमें क्या हो सकता है, या तो इसमें वन हो सकता है या तो इसमें वन हो सकता है ना, दोनों में से एक में वन होगा, या फिर ऊपर जीरो नीचे वन, ऊपर वन नीचे जीरो, तो ये हो सकता है। तो अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हमें कैच क्या ढूंढना है कि सी है, सी हमारा ये देखो वैल्यू क्या दी गई है, सी की वैल्यू हमें 10^5 दी गई है, ठीक है, सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 10^5, यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हो, तो 10^5 में, 10^5 में कितनी बिट्स होती है, लॉग ऑफ 10^5 के आसपास बिट्स होती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16 के बराबर होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 16 के बराबर होता है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जीरो का तो रिजॉल्व हो गया ना, जीरो वाला केस रिजॉल्व हो गया, बट मैं मान लो यहाँ पे सारी की सारी बिट्स वन होती, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारे के सारे सबसेट्स जितने भी पॉसिबल केसेस हैं सारे के सारे केसेस ट्राई करके देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ बिट्स जो है ये तो 16 होने वाली मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 16 होने वाली है ना, तो 2^16 सबसेट्स तो मैं जनरेट कर सकता हूँ, 2^16 सबसेट्स तो मैं जनरेट करके देख सकता हूँ ना कि इनका क्या वैल्यू, मतलब सारे इतने, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबिलिटीज कितनी है, यहाँ पे जो वन डाल रहा था यहाँ पे जीरो डाल रहा था, यहाँ पे जीरो डाल रहा था यहाँ पे वन डाल रहा था, उसके पॉसिबिलिटीज कितनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हैं, वो 2^16 है ना, कि पहले केस पे यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इस पे भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इस पे भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल 2^16 पॉसिबिलिटीज हो गई मेरी। तो सारे के सारे पॉसिबल टेस्ट जितने भी पॉसिबल केसेज हैं वो सारे ट्राई कर लूंगा, क्योंकि 2^16 तो मैं कंप्यूट कर सकता हूँ, 2^16 हमारा लिमिट के अंदर होता है ना, तो सारे सबसेट जनरेट करके देख लेंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है कि जो भी ए की, ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज है सारी की सारी वैल्यूज जनरेट करके देख लेंगे कि किससे हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब उसको हम कोड में लिख के देखते हैं कि कोड में कैसे करना है। तो बेसिकली तुम समझा कि हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सोचा है कि किस केस में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कोड में कैसे होगा, तो यहाँ पे हमारा एक इनपुट आएगा नंबर इंट सी। और यहाँ पे एक और चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक चीज यहाँ पे उसने ये वाली कंडीशन क्यों दी है, एल ऑफ ए और एल ऑफ सी वाली, ये वाली कंडीशन, लेंथ ऑफ ए लेस देन लेंथ ऑफ सी और लेंथ ऑफ बी लेस देन लेंथ ऑफ सी, ये कंडीशन क्यों दी है, क्योंकि लेट्स से अगर हमारा सी देता ये 1 0, छोटा एक सी लेते हैं 1 0 1 0, अगर ये कंडीशन नहीं देता तो तुम यहाँ पे जितने मर्जी 1 1 1 डाल सकते हो ना ए और बी में, ए और बी में नहीं तो तुम जितने मर्जी 1 1 1 डाल दोगे और ये इनका सारा 0 0 हो जाएगा, तो XOR तो सेम ही आ जाएगा जो हमें चाहिए, बट ये नंबर तुम जितना मर्जी बड़ा बना सकते हो सारे वंस डाल के। तो उसने स्पेसिफिकली बोला है लेंथ ऑफ ए लेस देन लेंथ ऑफ बी होनी चाहिए, नहीं तो नंबर तो इन्फिनिट बन सकता है पूरा। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सी इनपुट ले लिया मैंने यहाँ पे, अभी क्या करेंगे सी की लेंथ निकाल लेंगे कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लेंथ कितनी है। लेंथ कैसे आती है हमारी, लेंथ आती है हमारी बिट काउंट जो होता है, बिट काउंट वो होता है हमारा लॉग 2 ऑफ सी प्लस 1। ये तुम करके देख सकते हो, सारे नंबर्स के लिए ट्राई करो, ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अगर 2 जो हमारा नंबर है, 2 में 2 बिट्स होती हैं, तो लॉग ऑफ 2 क्या होता है 1+1 0, ठीक है। और यहाँ पे इंट कर दो इसको, यहाँ पे इंटीजर, ये इंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बिट काउंट हो गया कि सी में कितनी बिट्स होंगी। बिट कितनी, बिट्स तो बहुत सारी हो सकती है, 32 बिट नंबर में 32 बिट्स ही होती हैं, बेसिकली लास्ट वन कहाँ पे आया है वो काउंट है ना, वो काउंट जानना हमें। तो ये हो गया हमारा, अभी हर एक बिट के थ्रू जाएंगे, हर एक बिट के थ्रू जाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन बिट काउंट। अब यहाँ पे अगर ith बिट सेट है, ठीक है, अगर ith बिट हमारी सेट है मतलब 1 है, तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसेट्स वाली कंडीशन को करना है, वो अब बाद में देखते हैं। बट अगर ith बिट सेट नहीं है तो a और b में दोनों में उस बिट को 1 कर सकते हैं, अगर ith बिट हमारी 0 है। तो यहाँ पे पहले a और b जो हमें बनाने हैं उसको हम कर लेते हैं इंट ए और बी, ठीक है, इंट ए और बी कर देते हैं, और यहाँ पे इनको 0 इनिशलाइज कर देते हैं ताकि हम इनमें बिट सेट कर दें। तो इफ हमारा सी एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, अगर ये हमारा ट्रू है, बेसिकली बिट सेट है, तो यहाँ पे ना सारी जो भी सेट बिट्स हैं, सारी सेट बिट्स जो है हम स्टोर कर लेंगे, सारी सेट बिट्स हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं, वेक्टर इंट सेट बिट्स। तो ये सेट बिट्स हैं, सेट बिट्स के लिए क्योंकि हमें वो सारे सबसेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो सेट बिट्स डॉट पुश बैक। यहाँ पे आईएथ बिट हमारी सेट है, तो ये बेसिकली यही मतलब हो गया ना, ये सेट बिट ऐसे ही चेक करते हैं कि आईएथ बिट अगर हमारा ये नॉन जीरो आ रहा है। एल्स वाले केस में क्या कर देंगे, उसमें तो फॉर श्योर है कि ए में भी वो वाली बिट सेट कर दो और बी में भी वो वाली से बिट सेट कर दो। तो ए और इज इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट आई और बी और इज इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, क्योंकि ये तो हमारा, ये हमने केस देखा ही था जब जीरो है, जीरो वाले केस में दोनों में वो सेट कर देंगे, 1 बिट सेट कर देंगे। तो ये हमारा ए और बी बन गया। बस अभी इस ए और बी में अभी जो बिट सेट थी सी में, उनका अभी डिसीजन लेना है कि क्या होगा। अब वो कैसे लेंगे, सारे सारे सबसेट्स बना लेंगे, ये जो वेक्टर बना हमारा इसके सारे के सारे सबसेट्स बना लेंगे। सबसेट्स कैसे बनाते हैं, ये सबसेट्स जनरेशन वाली वीडियो देखी हुई है हमने, तो उसमें यहाँ पे पहले साइज कंप्यूट कर लेंगे। साइज हमारा क्या आ गया, हमारा 1 लेफ्ट शिफ्ट आ गया, सेट बिट्स डॉट साइज।
अब यहाँ पे ये बिट मास्क हो गया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर इंट मास्क इज इक्वल टू जीरो से शुरू करेंगे, मास्क लेस देन साइज प्लस प्लस मास्क, ठीक है। अगर तुम्हें इसका आइडिया नहीं है कि ये कैसे हम कंप्यूट करते हैं, ये वाला मतलब मास्किंग के थ्रू हम सबसेट जनरेशन कैसे करते हैं, तो मेरा सबसेट जनरेशन वाला वीडियो देख लो, ठीक है जाके। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अब एरे के थ्रू आइटरेट करेंगे यहाँ पे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन सेट बिट्स डॉट साइज, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ना एक पहले जो अब ये वाला लूप क्या करेगा, ये वाला लूप एक फाइनल ए की वैल्यू और एक फाइनल बी की वैल्यू बनाएगा, एक फाइनल ए की वैल्यू और एक फाइनल बी की वैल्यू बनाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना कॉपी बना लेते हैं, इंट ए कॉपी इज इक्वल टू ए, बी कॉपी इज इक्वल टू बी, ठीक है, ताकि हम एक्चुअल ए और बी की वैल्यूज को चेंज ना कर दे जो अभी तक ऑलरेडी बन चुकी है। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर मास्क में jth बिट सेट है तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और jth बिट नहीं सेट हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर jth बिट सेट है तो ए कॉपी में हम बिट सेट कर देंगे वो वाली, क्योंकि हमें क्या करना है कि ये जो सेट बिट ऑफ आई है, यहाँ पे सेट बिट्स ऑफ आई है ना, ith जो बिट है, या तो वो ए में सेट करनी है या तो वो बी में सेट करनी है, तो हमें सारे सबसेट्स ट्राई करने हैं। तो अगर jth बिट अगर इस मास्क में सेट है ना, तो हम ए में सेट कर देते हैं, अगर नहीं सेट है तो हम बी में सेट कर देते हैं, तो हमारे उससे ए और बी की एक पॉसिबल वैल्यू बन जाएगी, और ऐसे धीरे धीरे सारी पॉसिबल वैल्यूज बन जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर इफ हमारा वन मास्क एंड वन लेफ्ट शिफ्ट जे, तो ये एक पॉसिबल केस है, इसमें हम क्या कर देंगे कि ए अंडरस्कोर मास्क में ये वाली ए कॉपी में ये वाली बिट सेट कर देंगे, तो वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बिट्स ऑफ आई, ठीक है। एल्स वाले केस में क्या करेंगे, बी कॉपी में सेम चीज कर देंगे, ये जो सेम चीज हमने करी ये हम बी कॉपी के लिए कर देंगे, और यहाँ पे जे आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें एंड में क्या करेंगे, एक आंसर ले लेते हैं, हमारा ए लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू माइनस वन, इस आंसर को मैक्सिमाइज करना है, तो सारे पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ पे एक पॉसिबल वैल्यू बन गई हमारी, तो सारे पॉसिबल वैल्यूज के थ्रू यहाँ पे कर लेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा ए कॉपी इंटू वन एल एल इंटू बी कॉपी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पे आंसर को आउटपुट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने किया क्या है, जो सी बिट्स हमारी जीरो थी उनके लिए तो दोनों में ए और बी दोनों में हमने वन सेट कर दिया, जो हमने देखा था अभी, बाकी सारे हमने केसेस ट्राई कर लिए, तो या तो ए में सेट करके देख लेंगे या तो बी में सेट करके देख लेंगे। यहाँ पे ए अंडरस्कोर कॉपी नहीं, यहाँ पे सॉरी बी अंडरस्कोर कॉपी आना है, बी अंडरस्कोर कॉपी, ठीक है ना। तो या तो अगर सारे सबसेट्स देख लिए और सारे सबसेट्स में या तो ए में सेट कर दिया या तो बी में सेट कर दिया, तो इसका एक बार 13 का ट्राई करके देख लेते हैं कि 70 आंसर आता है क्या हमारा। ओके, हमारा कंपाइलेशन कोड एरर आ गया कोई, तो सेट बिट्स डॉट साइज, ओ यहाँ पे हमने जे प्लस प्लस नहीं लिखा है, ठीक है। अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, तो हमारा 70 देखो आंसर आ गया है, तो इस कोड को हम सबमिट भी करके देख लेते हैं, कंपाइल एंड टेस्ट, और इसको सबमिट कर देते हैं, तो ये देखो हमारा कोड जो है एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। ये 20 टेस्ट केसेस थे, सारे के सारे एक्सेप्ट हो गया है। तो बेसिकली आज के दो क्वेश्चन थे, उससे हमें क्या पता चला ना, बेसिकली बिट नंबर्स में कैसे सोचना है, कि यहाँ पे बिट रिप्रेजेंटेशन में कैसे सोचेंगे, XOR एंड और हो, तो देखो कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या ट्रिक्स लग सकती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने सॉल्व किए, यहाँ पे मैंने ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ से लिए हैं, बेसिक्स ऑफ बिट मैनिपुलेशन से, और यहाँ पे और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो और भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तुम खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, तो यहीं से मैंने दोनों प्रॉब्लम्स लिए हैं, और तुम्हें मैं लिंक भी छोड़ दूंगा, ये इसका और एक कॉडमोंग की जो सीरीज है हैकर थी, उसका भी लिंक छोड़ दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें आज के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, मुझे डिस्कॉर्ड में भी टैग करके पूछ सकते हो। तो आई होप तुम सबको ये सारी चीज अच्छे से समझ आ गई हो, एंड अच्छे से समझ आई तो यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को, एंड कमेंट भी जरूर करके जाना कि वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।